हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश। तो चलिए इस वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट पोयम, हाउ मेनी ग्रीन्स। ठीक है, ये एक पोयम है जिनके पोएट का नाम है चित्रा पद्मनाभन। तो ये है आपका पोयम हाउ मैनी ग्रीन्स। ग्रीन जो है ग्रीन कलर के लिए कहा गया है कि हम अपने चारों तरफ कितने ग्रीन कलर्स देखते हैं। कुछ कलर्स लाइट होते हैं, कुछ कलर्स डार्क होते हैं, है ना। तो हम अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे हरियाली देखते हैं वो क्या सारे एक ही तरह के होते हैं? नहीं, कहीं पर जो है आप डार्क कलर देखते हैं ग्रीन कलर, कहीं पर लाइट ग्रीन कलर देखते हैं, और वो सारे ग्रीन इतने सुंदर होते हैं, है ना। जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो लड़का है वो इसी के बारे में कह रहा है जो उसके चारों तरफ वो ग्रीन देखता है, ग्रीन कलर देखता है। तो चलिए देखते हैं, पोएम को रिसाइट करते हैं और उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग भी समझते हैं। How many greens are there in the park? Can we count them one by one? तो ये बॉय कह रहा है कि देखो हम अपने चारों तरफ कितने सारे ग्रीन्स देखते हैं, मतलब कितने तरह तरह के ग्रीन कलर्स देखते हैं हम अपने पार्क में। देख सकते हो आप, है ना, एक ही कलर नहीं है, बहुत सारे ग्रीन कलर के शेड्स हैं जो हम अपने पार्क में, अपने गार्डन में देख सकते हैं। कैन वी काउंट देम वन बाय वन, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इन कलर्स को काउंट करें एक एक करके? नहीं, है ना, क्योंकि हम गिन नहीं सकते। उतने सारे ग्रीन हैं, ग्रास हैं, पेड़ पौधे हैं और उनके कलर्स हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, तो हम क्या इन्हें काउंट कर सकते हैं? पोएट इस तरीके से पूछ रहा है। There's the light, light green of the tender little grass. I would like this green for the walls of my house. तो यहाँ पे पूछा कि देयर इज द लाइट, अभी वो पार्क में आ गया है और एक एक को पॉइंट करके बता रहा है। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो ग्रास है वो लाइट ग्रीन कलर की है, यहाँ पर लाइट पड़ रहा है और यहाँ पर जो ग्रास है ना वो लाइट ग्रीन है इसका शेड, जो कि टेंडर लिटिल ग्रास है। टेंडर मतलब जो नए नए होते हैं, जो छोटे होते हैं, यंग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टेंडर छोटे छोटे घास हैं जो नए नए निकलते हैं ना, उनका कलर लाइट ग्रीन होता है। अगर आप देखोगे भी पेड़ में जो नए पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन से निकलते हैं और फिर वो जैसे जैसे पुराने होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे बॉय बोल रहा है कि ये छोटे हैं, टेंडर हैं और नए नए सॉफ्ट घास हैं जो कि जिनका कलर लाइट ग्रीन है, और मैं ना इस कलर की ग्रास को अपने दीवार में सजाना चाहूँगा, अपने घर के जो दीवारें हैं ना, वॉल्स पर मैं इनको सजाना चाहूँगा क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल हैं। और वो बॉय चाहता है कि वो अपने घर के दीवारों में इस घास को सजाए। देन देयर इज द डार्कर ग्रीन ऑफ द ओल्डर प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्ड फॉर मैनी ईयर्स। फिर वो आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो कि डार्क ग्रीन कलर के हैं, मतलब जो पहले जो छोटी छोटी घास देखी थी नए वाले, उससे भी डार्क कलर ग्रीन के जो है पौधे हैं जो वो आगे देखता है, और वो कुछ ओल्डर प्लांट्स हैं। ओल्डर मतलब वो थोड़े पुराने हो गए हैं, इसीलिए उनका कलर थोड़ा डार्क ग्रीन है, पोएट इस तरीके से कह रहा है। और वो देखिए दैट हैव फ्लावर्ड फॉर मैनी ईयर्स, जो कई सालों से यहाँ पर हैं, क्योंकि वो पुराने हैं ना, तो कई सालों से यहाँ पर हैं और अपने ऊपर फूल खिलाते आ रहे हैं, मतलब वो फूल खिलाते हैं, फिर मुरझाते हैं, फिर दोबारा उनमें फूल निकल आते हैं। तो वो कई सालों से यहाँ पर हैं और उनका कलर भी डार्क ग्रीन हो गया है क्योंकि वो काफी समय से इस प्लेस पर हैं। I would like to have them as friends for the numerous stories that they can tell. उसका मतलब, और मैं इन पौधों को, जो ये डार्क ग्रीन कलर के पौधे हैं ना, इनके साथ में दोस्ती करना चाहूँगा, मैं इनको फ्रेंड्स बनाना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हैं वहाँ पर, है ना, वो नए नहीं हैं। फॉर द न्यूमरस स्टोरीज, न्यूमरस मतलब कई, ज़्यादा, कई, मैनी, ठीक है, वो कई कहानियाँ वो मुझे सुना सकते हैं। इन पौधों को मैं अपना दोस्त बनाना चाहूँगा, पता है क्यों? क्योंकि वो कई टाइम से, कई सालों से यहाँ पर हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनी होंगी, तो वो मुझे भी वो सारी कहानियाँ सुना सकते हैं। न्यूमरस मतलब अनगिनत, कई सारी कहानियाँ वो मुझे सुना सकते हैं, तो मैं इनके साथ दोस्ती करना चाहूँगा क्योंकि वो, उनको लाइफ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कई सालों से यहाँ पर है ना। देन
And there is the darkest green of them all in trees, majestic and strong. और then poet देखता है कि यहाँ पर कुछ darkest green color भी है उसके garden में, उसके park में. मतलब अब वो देखता है पेड़ों को, जो trees को वो देखता है ना, तो trees के पत्ते जब उसने देखे तो वो बोल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा darkest है. तो देखिए आपने यहाँ पर words ध्यान दिए, पहले darker कहा, darker का मतलब पहले से dark, और darkest का मतलब सबसे डार्क है ना, हम बोलते हैं ना डार्क, डार्कर, डार्केस्ट है ना, तो यहाँ पर सबसे डार्क के लिए यूज हुआ है डार्केस्ट है. मतलब इन सभी को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन हम पेड़ों में देखेंगे, क्योंकि वो तो कहीं सालों से है ना, उनकी एज तो पौधों से भी ज्यादा होगी, जो यहाँ पे फूल खिला रहे थे उससे भी ओल्ड है ये पेड़ है ना. अभी जो मैं देख रहा हूँ ये है डार्केस्ट ऑफ देम ऑल, सभी में से, इन सभी में से सबसे डार्क कलर यहाँ पर है जो कि इन पेड़ों पर है. इन ट्रीज मैजेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, मैजेस्टिक मतलब जो सबको आकर्षित कर दे, जो बहुत ही बड़ा सा फैला हुआ विशाल पेड़ है और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत भी है. इसके ऊपर जो ग्रीन कलर है वही सबसे डार्केस्ट है. दे होल्ड अप द स्काई एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, यू सी दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल. सो ये पेड़ ना होल्ड अप द स्काई, ये आकाश तक को पकड़कर खड़े हैं, क्योंकि वो उतने ऊंचे हैं, इतने टॉल हैं, तो लगता है कि ये आकाश को तक पकड़कर खड़े हैं. तो इमेजिन किया है कि जैसे कि आकाश तक को टच करते हैं, उनको वहां पर रोक कर खड़े हैं स्काई को. एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, और हमारे इस अर्थ को बचाते हैं. उसका मतलब क्या है, अगर पेड़ पौधे नहीं तो लाइफ नहीं, लाइफ नहीं तो अर्थ ही नहीं है ना. तो बोल रहे हैं कि इन पेड़ पौधों की वजह से ही इस अर्थ में लाइफ है, हम सब जिंदा हैं है ना. तो यही ट्री है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमारे इस पृथ्वी को. यू सी दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल, और देखो ये जो पेड़ है यही है सबसे ओल्डेस्ट है ना. तो यहां पर भी आप देखेंगे ओल्डर यूज हुआ था, यहां पे ओल्डेस्ट है ना. ये ओल्डर मतलब थोड़ा बूढ़ा, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बूढ़ा. तो सबसे बूढ़े, सबसे पुराने ये ट्रीज हैं है ना, जैसे यहाँ पे डार्कर, डार्केस्ट यूज हुआ था तो उसी तरीके से. ठीक है, तो ट्रीज हैं सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुराने टाइम से जीते हुए आ रहे हैं. देन दे होल्ड द विंड्स इन देयर बाउस, वो जो है होल्ड करते हैं, वो पकड़ते हैं हवा को अपने बाउस में. बाउस का मतलब होता है ब्रांचेस, जो डालियां टहनियां होती है ना पेड़ों के ऊपर, तो इनके जो ब्रांचेस हैं जो हवा को पकड़ते हैं. देखिए अगर बहुत जोर से हवा चलेगी और अगर पेड़ पौधे ना हो तो इन हवाओं को, इन तेज तूफानों को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा है ना. तो पेड़ ही है जो हवा की स्पीड को कम करते हैं अपने बॉडी से पकड़ कर. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है वही है जो अपने ब्रांचेस से जो है इन हवा को रोक कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं. ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, और इसके अलावा वो घर भी देते हैं बहुत सारे बर्ड्स के लिए, क्योंकि सारे बर्ड्स अपने घोंसले कहाँ पर बनाते हैं, इन पेड़ों की डालियों पे, टहनियों पे, यहीं पर बनाते हैं ना. तो सारी पक्षियों के लिए ये एक घर भी दे रहा है ये पेड़ है ना. कॉल द रेन फॉर वेलकम शावर्स, और रेन भी इन्हीं पेड़ों की वजह से होती है, तो वो रेन को बुलाता है. कॉल द रेन मतलब रेन भी लाने में हमारी मदद करता है, बारिश भी लाता कौन है, पेड़ है ना. तो पेड़ बारिश को भी लाने में हमारी मदद करता है. फॉर वेलकम शावर्स, शावर करना मतलब क्या, बरसना है ना. तो वो रेन को भी वेलकम करता है जब वो बरसते हैं, जब बारिश होती है तो पेड़ ही रेन को भी वेलकम करता है, और पेड़ों की वजह से ही बारिश भी होते हैं. आई वुड लाइक देम टू बी माई गार्डियंस, और मैं चाहता हूँ कि ये पेड़ मेरे गार्डियंस बन जाए. जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वही हमारे गार्डियंस होते हैं. गार्डियन मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जिनके अंडर में हम रहते हैं. ठीक है, जो हमारी लाइफ को सेफ रखता है. तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि और इन पेड़ों को मैं अपना गार्डियंस मानता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से ये अर्थ है, हम सब जीवित हैं है ना, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमें ले, जो हम लेते हैं और हम जीते हैं अपनी लाइफ है ना. तो पोएट कह रहा है कि ये मेरे गार्डियंस ही हैं, क्योंकि ये मेरी भी लाइफ बचाते हैं. ठीक है, तो यही आपका पोएम है हाउ मैनी ग्रीन्स, कितने तरह के ग्रीन्स होते हैं, ग्रीन शेड्स हैं जो हम अपने बगीचे में, गार्डन में, पार्क में, इस पूरी चारों तरफ एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं. तो यही आपका पोएम है, और पोएम के पोएट का नाम है चित्र.
सुमित्रा पद्मनाभन, ठीक है, जिन्होंने ये पोयम लिखी है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है जो पेड़ पौधों के ऊपर है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। देखिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे कि हमने बोला अभी टेंडर, टेंडर मतलब सॉफ्ट, नया, जब कोई नई चीजें आती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है उसे हम टेंडर बोलते हैं। न्यूमरस मतलब मैनी, बहुत सारे, मैजेस्टिक मतलब ग्रैंड, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो देखने में, बहुत ही बड़ा हो, मैजेस्टिक। देन बाउस ब्रांचेस, है ना, जो डालियां टहनियां होती है पेड़ की। देन गार्डियंस प्रोटेक्टर्स, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें गार्ड करता है, जो हमारे गार्डियंस होते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन आंसर्स वी आर नॉट डूइंग, आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। सो देखिए द पोएट कंसीडर द ओल्डर प्लांट्स हर फ्रेंड्स हु वुड टेल हर, तो ओल्डर प्लांट्स जो थे, जो पेड़, जो पौधे थे जिनमें फूल निकल आते थे, उनको वो फ्रेंड्स कहती थी, क्योंकि वो उसे क्या सुनाएंगे, वो उसे कहानियां सुना सकते हैं। देन ट्रीज ऑफर होम्स, ट्रीज जो है होम्स देते हैं सभी काइंड ऑफ बर्ड्स के लिए, है ना, सभी बर्ड्स का घर भी देते हैं ट्री। ट्रीज होल्ड द डैश इन देयर बाउस, वो अपने ब्रांचेस से क्या पकड़ते हैं, हवा को पकड़ के रखते हैं, विंड को, ठीक है। द पोएट वुड लाइक द बिग ट्रीज टू बी हर गार्डियंस, वो चाहती है कि जो बड़े बड़े पेड़ है वो उसके गार्डियंस बन जाए, ठीक है, तो ऐसे फिल करेंगे। देन यहाँ पे देखिए क्रॉसवर्ड पजल है, तो यहाँ पे अक्रॉस मतलब जो ऐसे जाते हैं, जो लेटे लेटे स्लीपिंग लाइन में जो जाते हैं ना, उसे अक्रॉस बोलेंगे, और डाउन मतलब जो वर्टिकल होते हैं, जो इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए फर्नीचर इज मेड अप ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्लू भी दिया है, देखिए स्पेलिंग भी दी है, वुड है ये, ठीक है, तो जम्बल्ड करके दिया है, तो यहाँ पे देखना है नंबर वन कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप वुड लिखेंगे। देन ईटिंग दिस इज गुड फॉर हेल्थ, ये खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, यहाँ पे स्पेलिंग भी दी है, तो यहाँ पे कंप्लीट करिए वेजिटेबल्स। देन इट इज यूज टू स्टिक पेपर एंड अदर थिंग्स, ये सब चीजों को चिपकाने के काम आता है, तो यहाँ पे देखिए हिंट में है स्पेलिंग, ठीक है, तो गम है, वो गम लिखेंगे नंबर थ्री पर। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयर दैट वी नीड टू लिव, वो कौन सा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे नंबर फोर पर। एनिमल्स एंड ह्यूमन नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, एनिमल्स और ह्यूमन्स हम सब ना डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़रूरी मानते हैं, वो क्या है, जो पेड़ों की छाया है, ठीक है, शेड, तो शेड की स्पेलिंग है जो यहाँ पे दी है, आप यहाँ पे शेड लिखेंगे। इट इज़ यूज टू मेक टायर्स, तो ये टायर बनाने के काम आता है, जो हमें पेड़ों से मिलता है वो क्या है, रबर, ठीक है, रबर से बनते हैं टायर्स, ठीक है, जो गाड़ियों के टायर होते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ आपका ये पोएम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।